उसका बस एक ये था कि लिखा रहता था उसमें ग्रेड में कि बी ग्रेड है, ए ग्रेड है, मगर मैंने उसे बहुत बहुत आराम से रखा। उसे कपड़ों का बहुत शौक था, वो बहुत अच्छे कपड़े वहीं से मजदूरी से खरीद के और सिलवा के पहनता था। ऐसे अच्छे कपड़े अलीगढ़ में कोई लड़का नहीं पहनता था, सब उसके कपड़े मांग मांग के ले जाते थे और पैदा करते थे। बहुत खुश है, कभी उसने मुझसे कोई बदतमीजी, कोई मेरे मुन्ना सा था आगे ऐसा कोई 4 साल का, तो मैं जाग रही थी दोपहर को बारिश में, कहने लगा माँ सो ही नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा मैं सो ही नहीं, क्यों? मैंने कहा तुम पारी भी चले जाओगे, मैं नहीं जाऊँगा माँ। मेरे पास लेट गए, मैं 1.5-2 घंटे सो के उठी तो जाग रहे थे, अब आप सो ही। मैंने कहा तुम नहीं सो रही अब्बा, मैं सोया नहीं मगर मैं बाहर नहीं गया। मैं कह जाती थी कॉलेज जाती थी कि दरवाजे से बाहर पहना निकालना, जब मैं आती थी तो दरवाजे के अंदर खड़े होते थे। उनके दादा का घर था बराबर में, वहाँ रेडियो बजता रहता है, ये रिकॉर्ड बजते रहते थे, तो वहाँ कहते थे आपस में पप्पी जान, तो ये वह पप्पी जान कहती थी पप्पी जान दादा अबू के यहाँ गाना बज रहा है, मगर अम्मा तो मना कर गई है मैं नहीं जाऊँगा। तो आपा कहते थे नहीं तुम चले जाओ, मैं उनसे कह दूँगी। तो दरवाजे में खड़े होते थे अम्मा मैं दादा अबू के यहाँ गया था, मगर मैं फूफी जान से पूछ भी गया था, आपने तो मुझे मना किया था, तो इसलिए मैंने फूफी जान से पूछा, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। वो स्टॉक में पहले टेस्ट में ए ग्रेड मिला था उन्हें। वहाँ के लोग पूछते थे अमेरिका के कैनेडा के कि तुमने अंग्रेजी कहाँ सीखी, कहाँ वो से तुम बोल रहा आता है। उसने कहा मेरे घर